आज की हमारी रेसिपी है चिकन ड्रम स्टिक्स। ये बिल्कुल चाइनीज़ रेस्टोरेंट के स्टाइल में बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, काइंडली हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। चलिए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खदीजा के किचन में वेलकम। आज की हमारी रेसिपी है चिकन ड्रम स्टिक्स। ये बिल्कुल चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे और बहुत ही मज़े के होंगे। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा, हर स्टेप को नोट कीजिएगा। कुछ भी मिस हो जाए तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रहमानुर्रहीम जी, सबसे पहले हमने लिए हैं लेग पीस। ये मैंने 16 लिए हैं। इनका मैंने गोश्त और हड्डियाँ सेपरेट कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, जिसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबल स्पून मैदा, विनेगर है मेरे पास, चिली सॉस, सोया सॉस, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे यूज़ करना है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह में भी थोड़ा सा नमक होता है। 1 टेबल स्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे ऑरेगानो। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें हम यूज़ करेंगे हड्डियों के लिए थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और इतना ही हम लगाएंगे इसको विनेगर। अच्छी तरह हम मिक्स करके इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और इसके अंदर तक नमक और सोया सॉस और विनेगर का फ्लेवर चला जाए। मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको साइड पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पहले हम इसमें चिकन डालेंगे चॉपर में, इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर, पहले हम इसमें भर के 2 खाने के चम्मच यूज़ करेंगे, बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे। दो चम्मच ये भी भर के अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस ऐड कर देंगे। वन टेबलस्पून हम डालेंगे विनेगर, अपने बाकी के सारे स्पाइस। बंद करके चॉप कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल हमारा रेडी है, बहुत अच्छा सा कीमा बन चुका है। मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और 2 खाने के चम्मच ही भर के मैंने मैदे का यूज़ किया था। मेरा मटेरियल सेट है, अगर आपका मटेरियल नरम हो तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। अपने हाथ को हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसका इस तरह से एक बॉल ले लेंगे, हमने इस तरह से इसको इसके ऊपर रखा और अच्छी तरह हाथ की मदद से इसको दुबाते जाएंगे इस तरह से। शेप हम कुछ इस तरह की देंगे इसे, गोल सी। हड्डी की जो ये वाली साइड है ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, हम उस साइड पे ड्रमस्टिक्स का जो कीमा हमने रेडी किया है वो रखेंगे इस तरह। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रमस्टिक्स हमारी रेडी हो रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। देख सकते हैं इस तरह से हमने अपनी सारी ड्रमस्टिक्स रेडी कर लेनी है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ठहर जाए और टाइट हो जाए। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। ड्रमस्टिक को मैंने एक्स्ट्रा क्रंची बनाने के लिए कॉर्नफ्लेक्स का यूज़ किया है। इसको मैंने प्लास्टिक बैग में डाल के बारीक कर लिया है, पीस लिया है। मैदे में हम थोड़ा सा, एक साइड में मैंने मैदा लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, 2 से 3 चुटकियाँ। इसमें मैं डालूँगी
1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 स्टिक्स हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा इधर से नीचे से दबाएंगे। अब हम इसे सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से। फिर हम डालेंगे इसे अंडे में इस तरह से। अब हम डालेंगे इस कॉर्नफ्लेक्स में, सारी ड्रमस्टिक्स हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें अपनी ड्रमस्टिक्स डालेंगे। जी आप देख सकते हैं ऑयल गर्म है। ज़बरदस्त हमारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो रही हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ज़बरदस्त ड्रम स्टिक्स हमारी रेडी हैं। इसे आपने मीडियम फ्लेम पे बनाना है क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा। चलिए अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी आज की रेसिपी हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।